नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अदर वीडियो। इस वीडियो में हम 2018 में आए TGT नॉन मेडिकल में जो क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आधे क्वेश्चन हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद द रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियाई 40 सेंटीमीटर, पावर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडिएटेड 50 वॉट पावर एट 50 केल्विन इफ द रेडियस वर हैव्ड एंड द टेम्परेचर डबल, द पावर रेडिएटेड इन वॉट वुड बी। हमारे पास एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर जो रेडिएशन पड़ रही है वो 450 वॉट की या वॉट पावर है उसकी, और उसका टेम्परेचर जो है 500 केल्विन है। तो अगर जो उसकी रेडियस है उसको हैबिट कर दिया जाए एंड जब उसका टेम्परेचर उसको डबल कर दिया जाए तो उसकी जो पावर ऑफ रेडिएशन है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या वो क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 180 वॉट। आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला है पावर ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी निकालने का वो है P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी 4। तो जब हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया P2/P1 इज इक्वल टू A2/A1 T2/T1 रेज टू पावर 4। तो जब हमने ए जो है हमारे पास एरिया, तो एरिया यहाँ पे हमने रेडियस माना है तो रेडियस लिख दिया, और जब हमने इस वैल्यू को क्वेश्चंस यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 180 वॉट। सो रेडियस इज हैबर्न, एरिया बिकम फोर्थ टाइम बिकम डबल एंड पावर बिकम 4 टाइम्स, कि जब एरिया जो है वो हमने हैवल्ड किया तो उसका जो टेम्परेचर है वो 4 टाइम यानी 1/4 हो गया उसका टेम्परेचर, एंड जो उसका पावर है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज, कि जो मोनो एटॉमिक गैस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। तो फ्रीडम ऑफ डिग्री का हमारे पास फॉर्मूला होता है 3n, वेयर n इज द गैस मॉलिक्यूल, यानी अगर हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो मीन्स वन, तो n की वैल्यू 1 आएगी। अगर हमारे पास जो डायटोमिक है तो एन की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे मोनोटॉमिक गैस है तो 3n, इट मीन कि एन की वैल्यू 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 2 सेंटीमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे माना गया है यू। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 10 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट विल बी, यानी हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसे हमने स्ट्रेच किया है 2 सेंटीमीटर और उसकी पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास यू। अगर उस स्प्रिंग को हम 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करेंगे तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 kx². तो आइए इसको भी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे जब हमने फॉर्मूला यूज किया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 1/2 k·x, तो जब हमारे पास 2 थी x की वैल्यू यानी 2 सेंटीमीटर थी उसका डिस्टेंस, तो k है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, x है हमारे पास स्ट्रेच्ड डिस्टेंस, तो जब हमने उसमें वैल्यू पुट की तो x इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 1/2 k² एंड जब x की वैल्यू थी तो 10 यानी डिस्टेंस जो था स्प्रिंग का वो 10 था, तो E इज इक्वल टू यानी एनर्जी 1/2 k·10². तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 50 k, और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास U की वैल्यू आएगी 2 k यानी U इज इक्वल टू 2 k। तो जब k की वैल्यू निकाली तो U/2,
और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया 25 K, यानी 25 U। तो पोटेंशियल एनर्जी जो वहाँ पे आएगी वो आएगी 25 U। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर भी 25 U ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन, जो स्पीड है एयर की, सॉरी साउंड की जो स्पीड है वो एयर में किस तरह वेरी करती है। कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्टर दिए होंगे कि कौन से फैक्टर को कम करने से, बढ़ाने से जो उसकी एनर्जी है उसके ऊपर डिफरेंस पड़ेगा। तो जो टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है या साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट, इंक्रीज या डिक्रीज होगी, क्योंकि साउंड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मूव करेगी। सो हीट इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जस्ट लाइक साउंड, सो हीट इंक्रीजेज साउंड कैन बी ट्रेवल फास्टर। यानी अगर हीट इंक्रीज होगी तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टली मूव करेंगे, अगर मूव करेंगे फास्टली तो इजली जो है वो साउंड जो है वो ट्रेवल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, कैपेसिटेंस इन एफ ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियाई 1 मीटर इज, जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो हमें निकालनी है एक स्पेरिकल कंडक्टर की जिसका रेडियस है 1 मीटर। तो हमारे पास फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/9 × 10^9। एंड यहाँ पे हमारे पास रेडियाई 1 था और इसकी वैल्यू जो है वो 22/7 epsilon naught के साथ, जब एप्सिलॉन की कांस्टेंट वैल्यू होगी तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.1 × 10^-10 फॉरेनहाइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन गई, सॉरी फॉरेनहाइट नहीं, फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज पॉसिबल टू हैव अ पोटेंशियल चार्ज बॉडी एट, कि किसी बॉडी के ऊपर या कोई बॉडी है हमारे पास, क्या उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज, यानी जितने ऑप्शन थे हमारे पास वो सभी के सभी सही थे, क्योंकि जो बॉडी है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा जब वो, नेगेटिव पोटेंशियल होगा उसके ऊपर, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उसके ऊपर एंड नेगेटिव पोटेंशियल भी होगा उसके ऊपर। तो वो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओहम एट 50 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, उसकी जो वायर है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओहम है। एंड जो नेक्स्ट वायर है हमारे पास उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है एंड 6 ओहम जो है उसकी वो रेजिस्टेंस है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी रेजिस्टेंस है वो 4 ओहम होगी। तो आइए हमारे पास एक फार्मूला है, RT = 1 + αT R, जो है फार्मूला है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास कैसे आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हैं, फर्स्ट मेथड शॉर्टकट मेथड है बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है जिससे कि इस क्वेश्चन को करना कठिन हो जाएगा। तो हम सेकंड मेथड को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि लंबा है लेकिन इससे 100% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो हमने जब फार्मूला यूज किया RT = 1 + αT R, तो वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ 0 डिग्री एंड कॉन्स्टेंट ऑफ मटेरियल, यानी अल्फा जो है वो मटेरियल है, टी टेम्परेचर है एंड आर जो है वो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री के ऊपर। तो सबसे पहले हमने 50 डिग्री के लिए रेजिस्टेंस निकाली तो हमारे पास आ गया 1 + temperature 50 α R = 5 ओहम। एंड नेक्स्ट है 100 के ऊपर, 1 + 100 α × R = 6 ओहम। तो इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने मान लिया। सो एट 0 डिग्री सेल्सियस जब हमने इसको अप्लाई किया 0 डिग्री के ऊपर तो हमारे पास आ गया 1 + 0 R। तो आर नॉट हमने मान लिया कि आर नॉट है उसकी 0 पे = R, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो हम अब R की वैल्यूज पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, सो 1 + 50 α + 1 + 100 α = 5/6। जब इन इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन गया 6 + 300 α = 5 + 500 α, इम्प्लाइज अल्फा इज डायरेक्टली या इक्वल टू 1/200। तो जब इस इक्वेशन को फ्रॉम 1 में जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई
इस वैल्यू को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन में, तो हमारे पास जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा 4 ओहम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू सेल ऑफ 1.25 वोल्ट एंड 0.75 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमारे पास दो सेल हैं, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। एक की हमारे पास जो वोल्टेज है वो 1.25 है एंड नेक्स्ट की जो हमारे पास वोल्टेज है वो है 0.75। तो उसकी इफेक्टिव वोल्टेज कितनी होगी? तो हम यहाँ पे जब देखेंगे कि पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में जो है वो क्रिस्चॉफ्स लॉ काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्चॉफ लॉ वोल्टेज होती है V1 - V2। सो V1 - V2 आएगा हमारे पास 0.50। दोस्तों कितना इजी क्वेश्चंस है और टेस्ट में पूछा गया है। अगर हमें इतना सा नॉलेज होगा तो हम इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड के अंदर कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर अ सर्कुलर मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स, कि जो एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास सर्कुलर मोशन में और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इंडिपेंडेंट है, तो कौन सी चीज़ होगी वो जो उसके इंडिपेंडेंट होगी? तो हमारे पास ये फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 πm/qb। तो जब हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा स्पीड। जो स्पीड है वो इन सब के इंडिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाई अटोमिक एटम इज, कि हमारे पास एक डाई अटोमिक या जो डायमैग्नेटिक एटम है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? तो सभी को पता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होती है। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनमें मैग्नेटिज्म शो करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास, साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सलेट, जो साइक्लोट्रॉन है वो किस चीज़ को एक्सलेट करता है? जो साइक्लोट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज को एक्सलेट करेगा। एंड जो हमारे पास बीटाट्रॉन होते हैं, बीटाट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज को एक्सलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो उसमें हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर को। नेक्स्ट है हमारे पास, द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज, यानी जो एंगल ऑफ डिप होगी मैग्नेटिक इक्वेटर की वो कितनी होगी? तो वो होगी 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट्स रेडियस इज, कि जब हाइड्रोजन एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो उसका रेडियस कितना होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर आर नॉट, यानी यहाँ पे जो एन है वो है हमारे पास उसका रेडियस, यानी सॉरी जो उसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो आप देखोगे जो यहाँ पे आर है, आर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर आ गया, तो इक्वल टू 4 R0। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा वो 4 टाइम्स जो है उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, पीएन जंक्शन हैज अ थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो हमारे पास पीएन जंक्शन है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी? तो पी एंड एन जंक्शन में काफ़ी ज़्यादा सॉरी काफ़ी कम डिफरेंस होता है, तो उनमें होगी 10^-6 m। तो दोस्तों इसी के साथ हमने जो फिजिक्स के क्वेश्चन 2018 में आए थे फिजिक्स के, उन सभी को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम या तो केमिस्ट्री से रिलेटेड या मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।